हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ तो कैसे जो है एसबीआई का जो एटीएम पिन आप क्लियर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आप कैसे जो है एसबीआई का एटीएम कार्ड आप अगर बैंक से आ गया आपको तो कैसे उसको एटीएम पिन चेंज मतलब क्रिएट कर सकते हैं आपका एटीएम पे जाके। तो फुल प्रोसेस मैं दिखाऊँ, आप वीडियो में देखिए लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको एटीएम को अंदर डाल लेना है। डालने के बाद कुछ टाइम वेट करना है। उसके बाद इधर जो लिखा है इंटरनेशनल, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ओके। उसके बाद फिर प्लीज़ वेट, आपको थोड़ा वेट कर लेना है। कुछ टाइम वेट करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा, फिर से देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन दिस प्रोसेस प्लीज़ वेट, आपको वेट करना है। थोड़ा टाइम वेट करने के बाद आपको इधर लैंग्वेज पूछा जाएगा, आपको जो है इंग्लिश बोल, आपको इंग्लिश लैंग्वेज है और हिंदी इंग्लिश कर लेना है। उसके बाद आपको आएगा पिन जनरेट बोल के, आपको पिन जनरेट पर क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद जो आपका जो अकाउंट नंबर है, आपका जो खाता का जो अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। आपको सही से डालना है, आपको दोबारा चेक भी कर लेना है कैसे डालना है, ठीक है। ओके, उसके बाद प्रोसेस करंट बोल क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके, करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपको वो मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपको बैंक खाता में है, वो मोबाइल नंबर डाल देना है। ओके, करने के बाद फिर प्रेस इन करेंट, उसमें पर क्लिक कर देना है। ओके, फिर कुछ टाइम आपको वेट करना है, योर ट्रांजेक्शन प्लीज वेट। आपको एक कागज़ आ जाएगा, आपको मैं दिखा दो, ये देख सकते हैं कागज़ आ गया। ओके, इसके बाद आपको एक मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज पर आपको ओटीपी लिखा, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कैसा आपको लिखा आएगा, आपको पिन जनरेट होकर आ जाएगा। अब उसको फिर से दोबारा कार्ड आपको एंटर कर देना है, फिर डाल देना है। फिर आपको जैसा सेम प्रोसेस किया था इंटरनेशनल, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। फिर थोड़ा टाइम वेट करना है। ओके, वेट करने के बाद आपको फिर से दोबारा आपको जो है लैंग्वेज पूछा जाएगा, आपको लैंग्वेज पर इंग्लिश कर देना है, ठीक है। ओके, इसको कर देने के बाद फिर आपको इधर आएगा बैंकिंग बोल के, आपको बैंकिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। बैंक पे जैसे क्लिक कर देंगे आपको इधर आपको आ जाएगा पिन चेंज बोल के, आपको ऑप्शन आ जाएगा, पिन चेंज पर क्लिक कर देना है। ओके, पिन चेंज कोई भी एक नंबर डाल देने के बाद आपको जो है येस पर क्लिक कर देना है। कोई भी एक नंबर डाल सकता है, फिर येस पर क्लिक कर देना है। ओके, उसका आपको मेरा की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कैसे इंग्लिश में लिखा आ जाएगा आपको नंबर, जो क्या नंबर आ गया वो नंबर आपको इधर डालना है, ठीक है। आपको मैं देख रहा 300 रुपये कैसे लिखा आएगा नंबर, वो नंबर आपको इधर डाल देना है, आपको जो पिन आ गया। ओके, उसके बाद आपको नया पिन कोड डाल देना है, जो आपको रजिस्टर है वो नया पिन कोड डाल देना है, ठीक है। फिर दोबारा जो रीपिन कोड सेम पिन कोड आपको डाल देना है जो आपको रखना है। ओके, उसके बाद आपको वेट करना है योर ट्रांजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। कुछ टाइम का आपको देख सकते हैं आपको वेट करना है। ओके, ट्रांजेक्शन योर कंप्लीट, आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है, आपका जो पिन है वो जनरेट हो चुका है। आई होप मेरे को वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको पता चल गया कैसे आपको जो है पिन जनरेट करना है बहुत ही आसानी से, ठीक है। मिलता है कोई दूसरा वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।